जो एक्सेल की दूसरी एरर वैल्यू है वो है हैशटैग NA. NA यानी नॉट एप्लीकेबल. जब भी कोई फॉर्मूला आप लगाते हैं और उस फॉर्मूले में जिस वैल्यू को आप सेलेक्ट करते हैं या जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती है, वहां कुछ भी लिखा नहीं होता है, तो हैशटैग NA का एरर आ जाता है, वो उसे फाउंड नहीं कर पाता है, तो हैशटैग NA का एरर आता है. कैसे आता है आइए देखते हैं. जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैं VLOOKUP का फॉर्मूला लगाता हूं, तो ये लगा दिया मैंने VLOOKUP, ये लगा दिया. ओके, अब यहां पे कह रहा है लुकअप वैल्यू, किसको लुकअप करना है. ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए श्याम को लुकअप करना है. श्याम यहां पे लिखा हुआ है तो इसी की कॉपी मैंने यहां लाके रख दिया है. ठीक है, तो यहां पे मैंने श्याम को सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, और इस टेबल एरे से मैं इसे फाउंड करूंगा, ये मैंने बता दिया. F4 दबा के फिक्स कर दिया. ठीक है, कॉमा दिया. अब यहां पर हमें देना है कॉलम नंबर. तो क्या हम सर्च करना चाहते हैं, हम सब्जेक्ट 4 का नंबर सर्च करना चाहते हैं. सब्जेक्ट 4 किस कॉलम में मिलेगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी पांचवे कॉलम में मिलेगा सब्जेक्ट 4. अब ये देखिए यहां पर नंबर थोड़ा लिख दीजिए 0, क्योंकि एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं. और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और अब एंटर प्रेस कीजिए. तो जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि श्याम का जो सब्जेक्ट 4 में मार्क्स है वो कितना है, 18 है. इसे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, आप देख सकते हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि NA क्यों आएगा, आएगा क्यों NA, NA एरर क्यों आएगा, आइए देखते हैं. तो यहां से मैं श्याम को गायब कर देता हूं, और जैसे ही मैं गायब करूंगा तो देखिए होगा क्या, यहां पर आ गया NA, यानी कि वो वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगा, तो NA एरर आएगा. अब यहां पर भी अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो वही एरर NA आपको मिलेगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन यहां से करना है. यहां पर जो नाम लिखा हो तो यहां पर तो कुछ लिखा नहीं है, कॉमा दे देंगे, फिर टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, और यहां F4 दबा के फिक्स करेंगे, सारा काम बिल्कुल सही है. लेकिन जहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो नाम ही नहीं लिखा हुआ है, वहां पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आएगी NA एरर. ठीक है, अब यहां पर कॉलम मैंने मान लीजिए 4 दे दिया या 5 दे दिया, जो भी हो. तो यहां पे मैं अभी 1 2 3 4 5 कर देता हूं, तो ये 5 कर दिया, कॉमा दिया, 0 दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देख सकते हैं कि NA एरर आ रहा है. आई होप ये बात समझ में आई होगी कि NA एरर क्यों आता है. इसके पहले मैंने डिप क्लियर किया है, इस वीडियो में NA क्लियर कर रहा हूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.